give you a remedy on hair loss or hair damage. So let's get started. तो सबसे पहले आपको उसके लिए योगर्ट चाहिए, दही चाहिए. तो मैं यहाँ दही ले रही हूँ और ये कुछ 1 कप है. अगर आप अपने लेंथ के, अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ और प्याज का रस ले रही हूँ मैं. तो अब मैं इसे भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये पैंटीन का हेयर रिप्लेसमेंट ऑयल. तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है. तो मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ. वाइट कलर का है, कुछ 1 से 2 चम्मच में से ले लूँगी. 100 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है. मैं आपको इसकी पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल. आप कोई भी ले सकते हैं. और उसके बाद मैं बहुत अमेजिंग सा प्रोडक्ट ले रही हूँ. ये एल्प गुडनेस का ऑयल है. आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ऑयल है दिखने में. बहुत ही अच्छा ऑयल है. आप इसे ले सकते हैं purple.com से अगर आप चाहते हैं लेना. तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप मेरे कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं अब ये ऑयल कम से कम 4 स्पून ले रही हूँ, ठीक है. नेक्स्ट जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है उसे मैं बाद में यूज़ करती हूँ. पहले मैं ले लेती हूँ 1 चम्मच हनी. 1 से 2 चम्मच हनी जो कि मेरे बालों को एकदम स्मूथ बना देगा, ओके. अब आज मैं इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. और मेन इंग्रेडिएंट है, आप कोई भी कंडीशनर इसमें डालें प्लीज़. आप कोई भी ले सकते हैं. और हमारी हमें ये मिक्स कर कर ये रेमेडी यूज़ करनी है. ये देखिए मिक्स कर लेते हैं हम और ये अपने बालों पे हम अप्लाई करेंगे. अगर आपको ये रेमेडी अगर अच्छी लगती है तो मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक हेयर मास्क की तरह. तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये बस तैयार हो ही गई. देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, वाइटी कलर है. तो कुछ ऐसा दिख रही है ये रेमेडी. मैं मिक्स अच्छे से कर लेती हूँ. तो मैं अप्लाई करूँगी सिर पे से कुछ लेकर ऐसे. तो अगर आपको पसंद आए ये रेमेडी तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए. एक बार यूज़ तो करके देखिए. जिनके घर में डैंड्रफ है वो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं 3 से 4 ड्रॉप्स लेमन भी डाल रही हूँ. यस ये हेयर रेमेडी ही है. सोया तो चलिए अप्लाई करते हैं और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ.